डबल क्रिएटिव बेटा प्रोग्रामिंग जरा देखें, हम वाइट पॉइंटर की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके अंदर उन्होंने वेरिएबल कितने बनाए हुए हैं, एक इंट का बना हुआ है, एक फ्लोट का बना हुआ है, एक करेक्टर का बना हुआ है, ठीक है। आप इन इंट का, फ्लोट का और करेक्टर का, इन तीनों के एड्रेसेस चाहिए मुझे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वाइड रेफर करता है बाकी वेरिएबल्स को भी, तो उन्होंने पॉइंटर एक सिर्फ बना दिया, ठीक है, और वही वाइड का पॉइंटर आगे हर जगह पर वो यूज कर रहे हैं फॉर फेचिंग एड्रेसेस। समझ आ रही है बात की? देखिए जरा, उन्होंने बनाया int n इज इक्वल टू 10, फ्लोट f इज इक्वल टू 25.18, करेक्टर c इज इक्वल टू डॉलर, और नीचे ptr बना दिया, वाइड स्टैरिक ptr, और ptr में किसके इक्वल कर दिया, n के। अब देखें, पहले उसने n का एड्रेस फाइंड करना है ptr के थ्रू करेगा, फिर उसने फाइंड करना है फ्लोट का ptr के थ्रू करेगा उसी वाइड के थ्रू, फिर उसने करेक्टर का फाइंड करना है वो भी वाइड के थ्रू ही करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि एक वाइड का जो पॉइंटर होगा वो बाकी वेरिएबल्स को एड्रेस फेच करने के लिए रेफर किया जा सकता है। ठीक होगी बात, समझ आइए? नहीं आई है? नहीं आई? जिसको नहीं आई उधर मुझे बता दे। क्लियर? नहीं आई समझ? समझ आ गई बात की? पीछे आपकी लाइन में कितनी बुक्स हैं? दो है आपकी बुक? जी आपकी बुक किधर है? एक बुक से गुजारा हो जाएगा है? जी वाइड की समझ आ गई है बेटा या नहीं आई? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, शायद मेरे फोन में भी पड़ी हुई है। चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आपकी बुक में नहीं है। चलिए लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। यार मैं मार्कर नहीं है सही। ये ठीक है फिलहाल, ये रेस कर हो जाता है, है? नहीं, इसका तो दिल, इसके बस में तो एक लफ्ज न पड़े। इसे नाम सुना है ना, अभी छुट्टी हो जानी है। जैसे कहने ये साथ साथ लिखते जाए, मैं आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है? सॉरी सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, नॉट असाइनमेंट।
जी जी अच्छा, ये पॉइंट्स को थोड़ा समझिएगा। एक मैंने एक एरे की एग्जांपल ली है। एरे क्या होता है? व्हाट इज एरे? जी एरे क्या होता है? क्या होता है एरे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है एरे की? एक दूसरे की शक्लें देखो जी, जरूरत सही कह रही हूँ क्या? जब कोई बड़ी वैल्यूज लेनी हो, फॉर एग्जाम्पल है, सही कह रही हो आप, कब जरूरत पड़ती है एरे की? देखें एरे बेसिकली क्या होता है, एरे होता है कि रिलेटेड एलिमेंट्स को जब स्टोर करवाया जाता है उसको एरे बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10 वेरिएबल्स हैं, 10 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो आप बारी बारी 10 वेरिएबल्स तो नहीं बनाएंगे, सिंपल आप एक एरे बना लेंगे, उनके अंदर रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब ये पॉइंटर की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने एक एरे बनाया 5, ठीक है, डेटा टाइप ए है, ये एरे का नेम है, ये इसका साइज है, ठीक है। अब ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं इंडेक्सेस बोलते हैं। क्या होता है ये? क्या है? वैल्यूज है और ये क्या है? एड्रेसेस है, ठीक होगी बात। हमेशा एरे स्टार्ट होता है 0 से, क्लियर होगी। अब पॉइंटर है, मैंने लिखा इंट पी, एक वेरिएबल बना दिया और मैं मुझे चाहिए एड्रेस 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई है वो चाहिए मुझे, ठीक है। और मुझे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है और मुझे उसका एड्रेस क्या है? 2000 वो चाहिए। तो सिंपल क्या होगा, मैंने एंड यूज किया फॉर एड्रेस पी पॉइंटर और ये ए 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है ए, उसका एड्रेस अब किसके अंदर आ गया? पी के अंदर। अब पी के अंदर क्या एड्रेस स्टोर पड़ा हुआ है? 2000, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई। अब मुझे चाहिए 10 पे, ठीक है। अब पी के अंदर क्या है, इसकी जो वैल्यू क्या है पी की? 10 है। पी के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो कौन सा है? 2000। अब मैंने इंक्रीमेंट किया, ऐड किया, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करने के बाद प्लस प्लस किया ना, तो एक बात याद रखिएगा, ये सारे 2 बाइट के होते हैं, इनका साइज कितना है? ये भी 2 बाइट का, 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 क्लियर। अब मैंने पी के अंदर प्लस प्लस किया, ठीक है, तो पी के अंदर अब कौन सा एड्रेस आ गया? इसका आ गया, ठीक है। किसका आ गया एड्रेस? 1 का आ गया। अब पी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है कौन सी पड़ी हुई है? 23 पड़ी हुई है। अब मैं पी प्लस 2 करता हूं, सारे कितने कितने के हैं? 2 2 बाइट के। अब पी प्लस 2 करता हूं तो इसके अंदर कौन सा एड्रेस आएगा? जी
ये आएगा या ये आएगा, सारे 2 2 बाइट के हैं। इसका आएगा, इसका आएगा, कैसे इसका आएगा जी? तो सारे हैं 2 2 बाइट के। मैंने बोला कि 2 ऐड करें तो किसके एड्रेस आएगा? एग्जैक्टली इसी का आएगा, ठीक है। 2 एड्रेसेस को उसने जब ऐड करना है तो उसका एड्रेस, अब इसकी वैल्यू क्या 43 है और इसका एड्रेस क्या होगा 2006 होगा। ये बेसिक एक एग्जांपल थी जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देता हूँ, फिर नीचे एक माइनस माइनस कर देता हूँ, पी इज इक्वल टू पी माइनस माइनस, अब सिंपल पी माइनस माइनस कर देता हूँ, अब कौन सी वैल्यू का एड्रेस आएगा? 2002 आएगा या 2004 आएगा? क्या आएगा? क्या अब माइनस माइनस कर दिया, एड्रेस किसका आएगा? 2002 का। एक माइनस किया तो 2002 कैसे आ गया? क्या हुआ है? मेरा बच्चा इसी का आएगा ना, ठीक है। एक जब माइनस माइनस करेंगे तो ये रहोगी बात, अरे स्टार्ट कहां से होता है? अच्छा एक प्रोग्राम में भी लिखता हूँ, बुक में आपकी नहीं होगा, इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ, एक दफा इसको आप देख लेना। ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस पे काम क्या हो रहा है। लास्ट एग्जांपल समझ आ गई है ना? बस मैंने लास्ट ही समझानी थी ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। इसको यू कर देते हैं, ठीक है।
इसकी मुझे आउटपुट आपने बतानी है लिख के, कॉपीज ओपन करें। आपको लास्ट एग्जांपल समझा दिया ना, इसकी आउटपुट मुझे फाइंड करके बताएं। प्रोग्राम मैंने आपको लिख दिया, मुझे इसकी आउटपुट चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ लें, एज्यूम इफ ए एड्रेस इज 5000 देन आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज, लास्ट एग्जांपल को माइंड में रखना है और मुझे आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है कि ए का जो एड्रेस है वो 5000 है, क्या है 5000 है, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? जल्दी करें, मुझे आउटपुट लिखकर बताएं। जो बता दें क्या वो छुट्टी कर दें, बाकी बैठे रहें। कौन सी? ये यू है, यू, ठीक है, ये परसेंट यू 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 फोर है। फ्लोट के लिए भी हम यूज कर सकते जी, जी बेटा इस सारे की मुझे आउटपुट बताएं। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, आप दोबारा मेरी बात सुनिएगा। लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है ना कि कैसे एड्रेसेस होते हैं। ये प्रोग्राम है कि अज्यूम इफ ए एड्रेस, ए का एड्रेस है 5000, ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद इसकी आउटपुट क्या आएगी वो मुझे आउटपुट आपने दिखानी है। और ये फ्लोट वेरिएबल्स हैं, फ्लोट डाटा टाइप है, ये भी अपने माइंड में रखना है। करें काम, यार ऐसे हाथ रख के क्या बैठ गया, काम कर इसको, बंद कर दो वीडियो।